क्लास का है या जिनका नंबर है, इस तरह मैंने कभी अपनी बहुत ही क्लोज और इंटीमेट बातचीतों में भी नहीं। राहुल भाई, कुछ लोगों की दुकानदारी ही इसी पे चलती है कि वो हर चीज में कास्ट खोज लें, हर चीज में कास्ट खोज लें, हर चीज में कास्ट। और अब मतलब क्या। जय भीम साथियों, इस वायरल वीडियो में है लल्लन टॉप प्लेटफॉर्म के एडिटर सौरभ द्विवेदी और पत्रकार और लेखक राहुल पंडिता। अब देखिए, जाति बनाए ब्राह्मणों ने हर सामाजिक रिश्ता इस देश का हजारों सालों से जाति पर टिका है। हमेशा इस जाति पर वर्चस्व बनाए हुए ब्राह्मण लोग अब 2021 में दो ब्राह्मण पत्रकार कह रहे हैं कि हर चीज़ में आप जाति खोज लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट बना लेते हैं। अरे जजमान ढांचा का बनाया हुआ जातिवादी असमानता के ढांचे पर मलाई आप खा रहे हैं। जब बहुजनों ने इसे तोड़ने की बात करी तो आपको चुभ गई। अंबेडकरवादी ने भी इस वीडियो का जमकर जवाब दिया, आलोचना करी। हमारे फाउंडिंग एडिटर सुमित चौहान ने बोला कि जब दो ब्राह्मण जाति पर चर्चा करते हैं तो जाति के सवाल को नकार देते हैं। कथित प्रोग्रेसिव ब्राह्मण सवर्ण लॉबी की मूल समस्या यही है। सौरभ से पूछा जाए कि आपके लल्लन टॉप में कितने दलित हैं तो वो हमें ही जातिवादी कहने लगेंगे। प्रतिनिधित्व विविधता इन्हें जरूरी नहीं लगती। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने भी कुछ कटाक्ष से स्टाइल में लिखा कि दो प्रगतिशील ? ब्राह्मण एक फ्रेम में बैठकर बतियाते हुए कह रहे हैं कि कुछ लोगों की दुकानदारी ही इस बात पर चल रही है कि कुछ लोग हर चीज में जाति खोज लेते हैं। स्माइली भी है यहाँ। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा, आपसे सुनना चाहता हूँ। आप बताइए, क्या आप भी जाति संबंधी विमर्श पर यही राय रखते हैं? वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने इस पर बोला कि द्विवेदी एंड पंडिता डिस्कसिंग हाउ टू एनिहिलेट कास्ट विदाउट इवन मेंशनिंग कास्ट, रीड मोर अबाउट द क्लेम ऑफ कास्टलेसनेस ऑफ द ऑपरेसर कास्ट्स। मैं जाति नहीं मानता, मैं तो किसी जाति को पूछता ही नहीं, मैं तो दलित के साथ का छुआ खा लेता हूँ टाइप लोग जिनकी कोई जाति नहीं। ये जातिवाद और जाति पर बात किए बगैर मंत्र पढ़कर जाति का विनाश कर देंगे। जाति मुक्त तो ये हो ही चुके हैं, जो समस्या है वो बाकी लोगों में है। जब बात ही नहीं करेंगे तो जाति बचेगी कैसे, मर जाएगी। इसलिए जाति पर बात करना आपसे बंद। राहुल पंडिता अपनी पुलवामा अटैक पर नई किताब के चलते सौरभ द्विवेदी के साथ एक इंटरव्यू में थे, तब ये बात निकली जिसमें से ये वीडियो वायरल हो रहा है। वैसे लल्लन टॉप के लिए ऐसी जातिवादी टिप्पणी कोई नई बात नहीं। जब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बेजुआदा विल्सन, जिन्हें सफाई कर्मचारियों की हक की आवाज़ उठाने के लिए 2016 में इंटरनेशनल मैगसेसे अवार्ड मिला था, तब लल्लन टॉप ने ये हेडलाइन लगाई थी उनके लिए, गू उठाने वाला ये इंडियन जीत गया। बताइए, एक पत्रकार में इतनी भी संवेदनशीलता नहीं, बेसिक संवेदनशीलता नहीं, तो ये क्या जाति का बंधन ही नहीं है जो ऐसे पत्रकारों को इस मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, ऐसे मीडिया हाउसेज में जगह दिलाता है? बाद में चेंज कर दिया लल्लन टॉप ने, वो आदमी कर दिया, पर सोशल मीडिया में स्क्रीनशॉट और खबरें रह जाती हैं। ब्राह्मणों का बस चले तो जाति को मिस्टर इंडिया बना दे, छू मंत्र अदृश्य कर दे ताकि उनका वर्चस्व बना रहे मीडिया में और हर जगह। पर हम सब ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, लाखों लोगों तक ज़रूर लेके जाइए। हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे ही हम कोई महत्वपूर्ण वीडियो करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर करिए। जय भीम।